देव फोटो और जन्म काल में बाल चुकियां हटा लेना एक्टिंग करते हुए। गुड, तुम मुझे यही मिल गई, मुझे तुमने ना तुमने ना एक स्टोरी सुनाई जी। चार्ज बहुत सारा चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव, हाँ तुम्हें घर जाना होगा, कन्या के परिवार वाले तुमसे मिलने आए होंगे सब। रिया, सबसे पहले वेलकम टू टीवी से बॉलीवुड तक। आपकी धूप तारा सोनी टीवी पर बहुत ज़बरदस्त लोगों को प्यार मिलना शुरू हो गया है, और आपके करेक्टर के लोगों को, मतलब एक संस्कारी लड़की, क्या बोलना चाहते हैं कि आज के समय में भी ऐसा है संसार में एक संस्कारी लड़की जो अपने इष्ट देवता और सब पे बहुत बिलीव करते हैं? I think it should be a balance, you know, in life. सबका पर्सनैलिटी अलग होता है, सबके पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, सबके सोच विचार अलग होते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ। एंड आई थिंक सी इट्स हाउ यू सी इट, आपके लिए संस्कार कुछ और होंगे, किसी और के लिए कुछ और होंगे। बट व्हेन इट कम्स टू कान्हा जी, लाइक आई सेड, यू नो, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उनका, मैंने बनी स्टार्ट किया था, दैट्स हाउ आई मेट हर, शी इज़ ह्यूज भक्त ऑफ कान्हा जी। तो कैसा होता है ना कोई शायद होता है, डिवोटी होता है जिनके थ्रू आप वो एक भगवान अपने पास आपको बुलाते हैं। शायद मैंने कुछ अच्छी कर्म की होगी जो कान्हा जी ने मुझे बुलाया उसके थ्रू, एंड देन नाउ इज शो के थ्रू। मेरे कई सारे सीन्स होते हैं जहाँ पर आई प्रे, आई डांस, मैं रास करती हूँ, मुझे एक्चुअली वो फील होता है। तो डेफिनेटली आज भी है, आई कैन टोटली से दैट। जिस तरह शो आज के समय में जिस तरह आप बोला रोमांटिक है, कॉमेडी है, क्या है शो की थीम, क्या है? इट्स डेफिनेटली रोमांटिक फर्स्ट, इट्स अबाउट ध्रुव तारा, इट्स अबाउट अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी, ऐसी लव स्टोरी जो काफ़ी पैशनेट है लेकिन काफ़ी प्योर है, जो आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तो इट्स वेरी यूनिक आई फील, इट्स वेरी मैजिकल आई फील, बिकॉज फिक्शनल भी है लेकिन काफ़ी रिलेटेबल भी है। आई थिंक आप ध्रुव तारा से बहुत हद तक रिलेट कर पाएंगे, इवन दो इट्स अ फिक्शनल शो, एंड आई थिंक दैट्स द यूनिकनेस अबाउट इट। ये आउटडोर भी शूट हुआ था, कहाँ आउटडोर, क्या कुछ एक्सपीरियंस आप भी शेयर कर सकते हैं? बहुत अमेजिंग था, हम लोग पहले तो करजत गए थे, करजत तो मैंने अपना काशी शूट किया है, तो इट वॉज वेरी क्लोज टू मी ऑलमोस्ट, पुराने हाँ तो बता रहे थे आप आउटडोर का। हाँ, तो हम लोग करजत गए थे, करजत इज़ ऑलरेडी वेरी क्लोज टू मी, क्योंकि मैंने मेरा काशी भाई जो शो था वो शूट किया था। देन हम लोग आगरा गए, एंड आगरा वॉज अमेजिंग, मेरी लाइफ में मैं कब की एक्सपीरियंस वो भूलूंगी नहीं। वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी, आई तो वेंट बॉन्कर्स, मतलब हम लोगों ने एक्चुअल ऑडियंस के बीच में शूट किया था, एंड सीन्स ही हमारे लकीली ऐसे थे कि हरकतें कुछ मैं अजीब करी हुई या सैनिक आ जाते हैं तो सब ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, तो उनको एक्चुअल क्राउड मिल गया क्या। तो वहाँ पर आप गए तो आपको देखे मासूमियत, प्यारी सी लड़की देख के लोगों क्या रिएक्शन थे, भाई इतनी प्यारी किसी को क्या मारने लगे थे? मैं अपने लहंगे में थी, मेरा जो तारा वाला लुक है उस सदी का, और मैं आई और मैंने अपना वहाँ ठंड बहुत थी तो मैंने अपना जैकेट उतारा और एवरीबडी स्टार्टेड व्हिसलिंग, और मेरा था इमोशनल सीन, मैं रोना चाह रही थी और सब सीटियाँ बजा रहे, मुझे हंसी आ रही है, अब मैं बोल रही हूँ भगवान मैं कैसे करूँ, एक तो शोर शराब में, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट वॉज सो मच फन, आई कुडंट बिलीव, आई फील लाइक मैं कुछ सपना देख रही हूँ, इतना प्यार मिला है हमें, हमें पता चला कि एक्चुअल यू नो हाउ मच पीपल लव टेलीविजन, हाउ मच पीपल लव सिनेमा। रिया शर्मा रियल लाइफ में भी ऐसा ही है जिस तरह इष्ट देवता का तारा कर रही है, बिलीव रियल लाइफ में भी बिलीव करते हो? बिल्कुल, मैं बिलीव बिल्कुल करती हूँ, उनके बिना तो मेरी ज़िंदगी नहीं, उनके बिना मुझे कोई राह नहीं मिलती, उनके बिना मैं आज राह नहीं होती, मैं सांस नहीं ले रही होती, मेरे ऊपर छत है, मुझे दो वक्त का खाने को मिलता है, मैं एवरी डे उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मुझे स्पेशली ये तारा का किरदार उन्होंने दिया है, अपनी भक्ति करवा रहे हैं मुझसे किरदार के थ्रू, और या तो करती है तो डेफिनेटली, बट आई वुड से कि तारा जैसी लड़की मैं ज़रूर बनना चाहती हूँ, उसके वैल्यूज़ है, जो उसके संस्कार है, जो उसके जिससे वो जितनी वो करियोजस है, जिस जैसे उसका दिल है, सो
यानी देखा जाए रिया शर्मा का मतलब सब्र के फल बहुत सारे से किए काम, लेकिन सब्र बोलते हैं इष्ट देवता, सच्चाई आपको जो है ना दुनिया के सामने भगवान ने मतलब ना आशीर्वाद दिया, दुनिया के सामने जो अंदर जो करते थे बाहर दिखाने का मौका मिला, कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं रियल लाइफ में जैसी हूँ आई थिंक मेरी भक्ति और ये कान्हा जी का ही आशीर्वाद है जो आज मैं तारा कर पा रही हूँ, इतना सुंदर रोल कर पा रही हूँ। लेकिन आपको किसी ने बोला रियल लाइफ में आप राधा जैसा, अगर कृष्ण होता तो राधा ही जैसा दिखता आपको लुक सब कभी किसी ने? हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई आपने बोला, थैंक यू। बट हाँ, मैंने जो हमारी रास हुई थी उसमें मेरा राधा का लुक था इसी अभी कुछ दिन पहले, तो लॉट ऑफ पीपल सेड दैट टू मी, आई वाज 7 MM से भी ऊपर कुछ होगा, तो मुझे वो फीलिंग आई थी बिकॉज कोई अगर राधा बोल दे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। थैंक यू। आखिरी में आपका फैंस जो प्यार आपको इतना दे रहे हैं, रियल लाइफ में भी गए थे शूट पे इतना प्यार मिला, अब आपको टीवी पर देख के प्यार दे रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट, क्या बोलना चाहते हैं इनके लिए? मैं बस यही बोलना चाहूँगी आपका बहुत 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 शुक्रिया, प्लीज़ ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमारा शो देखिए, इट्स फन, इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, मोर एंड मोर एक्साइटिंग, इट्स गेटिंग यू नो द ड्रामा इज गोइंग टू अनदर लेवल एवरी डे, द रोमांस इज गोइंग टू अनदर लेवल एवरी डे, सो आई रियली होप दैट यू वॉच इट एंड आई नो दैट यू विल लव इट। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको बहुत प्यार मिले तारा अदूब को। थैंक यू। आप क्या बोलना चाहते हैं टीवी से बॉलीवुड तक देखते हैं? जी बिल्कुल, आप मुझे देख रहे हैं और आप सबकी राजकुमारी तारा प्रिय टीवी से बॉलीवुड तक, डू वॉच ध्रुव तारा। थैंक यू।